welcome back to my channel. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, आप जैसे प्लान करके चलते हो ना वैसा आपके प्लान के हिसाब से होता नहीं है, लेकिन जब होता नहीं है हम क्या करें उसको, वो सोचकर दुखी मन करके बैठे रहूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ज़िंदगी के नाम है चलती का नाम गाड़ी है, तो ज़िंदगी है चलता रहेगा और आपको इसी गाड़ी में चलता रहना पड़ेगा, भले ही आपको अच्छा ना लगे। वैसे गाइस मैं कैसी लग रही, बहुत दिन के बाद ऐसे ऑफिशियली ड्रेस पहन के आप सबके सामने आई। बहुत दिन से मैं आपको सोच रही थी कुछ बात बताऊं, जो बताऊंगी बहुत जल्दी। देखो आईना मिल गया मुझे, मेरे लिए हर कोलकाता में हर जगह पर आईना लगा के रखा है। गाइस आ गए हैं स्प्लैनेट और थोड़ा सा जाना पड़ेगा, हम अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से ट्रेन पकड़ेंगे। 10-10-20 रुपए का टिकट बस में गया, टोटल खर्चा बता रहे 24 जाएगा मेट्रो, एक साल बाद मेट्रो चलेगा। ये रानी माँ है, लोको माता रानी राशमोनी। चलिए मिलते आगे, क्या करने आए हैं आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं, आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए बस। मेट्रो स्टेशन के बाहर ना वो दीदी लोग रहते हैं ना वो खड़े, तो वो वैसे फाइनली एक ट्रेन मिल गया कि ट्रेन के अंदर से की वजह से ही वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी गुस्सा आता है उनके ऊपर कि वो बहुत डरते हैं हर चीज़ से, इसीलिए ना मुझे वीडियो शूट करने नहीं देते हैं। वैसे मैं इसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं हर जो जो करती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ, लेकिन सुमित मना करती है इसलिए नहीं करती हूँ। और सुबह घर से निकली थी और कुछ खाया पिया नहीं, तो सुमित ने बोला चलो कचौरी खा लेते हैं, तो बस अभी आ गए कचौरी खाने के लिए। कचौरी ले लिया मेट्रो से उतरते ही, साइड पर खड़े होकर खाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद फिर से हम मेट्रो स्टेशन आ गए क्योंकि इधर से ट्रेन पकड़ के हमको जाना है दमदम एयरपोर्ट। ये देखिए आ गए दमदम एयरपोर्ट और कितना सुंदर फ्लावर वर्स है गाइस। देखिए एयरपोर्ट के सामने कितना गंदा और भंगार बना के रखा हुआ है, और हम लोग जब बाहर रहते हैं सोचते हैं कोलकाता देखने में क्या ही ना क्या होगा, बहुत लंबा लंबा फ्लैट होगा, हम लोग का थिंकिंग ये रहता है, लेकिन उल्टा ही दिख रहा है। कोलकाता भी, कोलकाता में भी एक गांव काइंड ऑफ होता है, और मैं अभी आ गई हूँ कोलकाता में एयरपोर्ट, दमदम एयरपोर्ट में हूँ। सुमित आगे जा रहे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था, वो कचौरी खाने के बाद बहुत भूख लग गया था, तो सामने एक रेस्टोरेंट मिला, इधर आ गए, फिर उधर आके देखा उतना कुछ जो जो हमें चाहिए वो मिला नहीं, तो मैंने सुमित को बोला चलो एक स्टॉल से खाते हैं बाहर का, तो वो स्टॉल में आ गए थे खाना खाने के लिए। इधर हमने नूडल्स खाया, उसके बाद हम फिर से ट्रेन में चढ़ गए लोकल ट्रेन में, तो ये ट्रेन पकड़ के हम जा रहे हैं बैरकपुर। ये देखिए शाम के बज रहे हैं 7:05 हो गया है, अभी बैरकपुर स्टेशन में हूँ, घर जा रही हूँ। मेरा ये रहा बैरकपुर का दादा बोधी होटल, बहुत फेमस है इंटरनेट में, यूट्यूब पे बहुत फेमस है। जब ये दुकान झोपड़ी था ना उस टाइम से हम इस दुकान पे आ रहे थे, देखो अभी कितना बड़ा बना लिया है। बिरयानी खा रहे, ये रहा गाइस बैरकपुर का बाहर का स्टेशन का बाहर का, लोड शेडिंग हो गया, पावर कट हो गया, इसलिए अंधेरा अंधेरा है। मैं अभी बैरकपुर में हूँ, लॉन्च घाट के इधर आई हूँ, गंगा चिंगड़ी
तो बैरकपुर लॉन्च घाट पे हूँ और टिकट काट लिया है। अरे इटा धरो ना ब्लेजरटा। करंट लोड शेडिंग हो रहा है और चलिए लॉन्च में बैठ के फिर बात करते हैं आगे का। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Blood is chicken over. Yeah, to go on by the focus for you. Okay, shot up the card. Which are you? Chelsea, eh? बाइक रखा हुआ है गैरेज में, उधर से बाइक लेकर फिर चलते हैं। देखिए पूरा 8 बज गया सारा पुलिस स्टेशन आने में, तो अभी इधर से स्कूटी लेंगे फिर गो टू होम और आज मैं मायके जाऊंगी। सुबह 8 बजे निकले थे, सुबह 8 बजे नींद से उठे, उठ के तैयार होके कुछ काम था जिस काम के लिए हम लोग निकले थे। वो किस काम के लिए निकले थे आपको अभी नहीं बताऊंगी गाइस। बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप सबको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल में। तो चलिए बाय बाय।